अनजान लोगों से बात करने का 3x5 फॉर्मूला लेके आए। इस फॉर्मूले से आप किसी भी व्यक्ति को अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में जोड़ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, तीन ऐसी बातें बताऊंगा जिससे हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कैसे हम अनजान लोगों से बात शुरू करते हैं, और पांच ऐसी सावधानियां बताने वाला हूं ना जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो वो प्रोस्पेक्ट जो है ना अपनी लिस्ट में आ जाएगा, पक्का प्रोस्पेक्ट बन जाएगा। लेकिन 3x5 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस पे चल के ना मैं बहुत प्रोस्पेक्टिंग किया हूँ, बहुत सारे लोगों को अपनी लिस्ट में जोड़ा हूँ, और आप ये गलती मत करना कि बीच में वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे, सावधानियां आपको पता नहीं रहेंगी तो आप वहां पर मिस्टेक करेंगे, और मिस्टेक करने के बाद आप यहां पर कमेंट लिखेंगे इसमें रिजल्ट नहीं आता, तो आपको पूरा देखना। तो अनजान लोगों से बात करने का लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं तीन बातें बताने वाला हूँ। पहली चीज, स्टार्ट विथ अदर टॉपिक। आपको अलग टॉपिक से स्टार्ट करना है। सपोज करिए आप बैंक में या रेलवे स्टेशन में या बस स्टैंड में कहीं पे वेट कर रहे हैं, तो आपको स्टार्ट विथ अदर टॉपिक। आप कह सकते हैं कितनी गर्मी है, आप कह सकते हैं कितनी ठंडी है, आप कह सकते हैं बैंक में बहुत भीड़ है, आप कह सकते हैं सरकार के सही रूल नहीं है, तो कुछ भी करके आप अदर टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज करिए आप एक लाइन पे लगे बैंक की लाइन में, तो आप बोल सकते हैं यार बहुत गर्मी है, तो वहां से यदि वो रिप्लाई दे देता है अगला व्यक्ति या पीछे वाला व्यक्ति, तो ये समझ जाइए कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्टेड है, आपकी बातों को सुन सकता है और आपसे चर्चा कर सकता है। जैसे ही कोई रिस्पॉन्स देता है वहां से आप बात स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई साहब, आपने सही कहा, बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे को तो बहुत ज्यादा समस्या होती है आने जाने में, क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्थ इशू भी है, डॉक्टर ने भी बोला है कि आपको धूप में ज्यादा नहीं निकलना। इस तरीके से आप वहां पर बातें चालू करना शुरू कर देंगे। तो दूसरा तरीका अपनाते हैं लोग, स्टार्ट विथ क्वेश्चनिंग। यदि आप बस स्टैंड में, आप पूछ सकते हैं कि क्या टाइम हुआ भैया, आप कहाँ जाएंगे। क्वेश्चनिंग से, क्वेश्चन हमने कोई फेंका, उसका यदि रिप्लाई आया, वहां से हमारे कनेक्शन बढ़ना चालू होगा। तो ये एक तरीका है जिससे लोग कहीं ना कहीं वहां पर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। तीसरा तरीका जो जबरदस्त तरीका है वो है स्टार्ट विथ स्माइल। आप वेट कर रहे हैं किसी का और वो भी खड़ा है आपके पास और हम इधर उधर देख रहे हैं, आप थोड़ा सा स्माइल मार के देखिए उसको। स्माइल मारेंगे ना, यदि वो स्माइल मार देता है तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट है। यानी इसको बोलते हैं कि आप यदि स्माइल दिए और उसने स्माइल दिया तो आपकी शानदार प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है कि किसका वेट कर रहे हैं आप कहाँ जाएंगे, मैं ये करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, आप कारण बता सकते हैं, वहाँ पर आप बातें चालू कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है ना, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी इस दुनिया में जितना भी पावरफुल नेटवर्कर है ना, वो यदि प्रोस्पेक्टिंग में मास्टर है ना, उसकी हैबिट होती है कि 3 फिट के सर्कल में यदि कोई है उससे तो मुझे कुछ ना कुछ बहाने लगा के बात करनी है। यदि आपके 3 फिट के दायरे में कोई आदमी इंटर हो गया, वो आपका प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। आपकी ऐसी हैबिट हो जाना चाहिए कि मुझे इस व्यक्ति से बात करना है, भगवान ने इसको मेरे लिए भेजा है, इसको सफल बनाना है, इसके साथ मेरी सफलता लिखी है। आपको ऐसा महसूस करना है, तभी आपको नए लोग वहां पर मिलना चालू हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं 5 बड़ी गलतियां जो करते हैं लोग, आपको नहीं करनी है। तो नंबर 1 सावधानी, कभी भी इंटरव्यू ना ले। चर्चा को आपको इंटरेस्टिंग बनाना है। कितने भाई हैं आपके, आप कहाँ रहते हैं, पिताजी का नाम क्या है, ऐसे नहीं पूछना। हम इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, इन्वॉल्व होना, आपको इंटरव्यू टाइप में नहीं लेना, ये ध्यान रख। दूसरी गलती करते हैं वो है अपनी कम उसकी ज्यादा सुनो। हमें उसके बारे में जानना, उसकी क्या समस्या है, तभी आप प्रोस्पेक्ट की बातों को पकड़ पाएंगे, आप उससे अच्छे तरीके से उसके जीवन में घुस पाएंगे और उसको इन्वॉल्व कर पाएंगे। नब जो होती है बिजनेस करने का, या कोई ऐसा दर्द होता है जिसको हम पकड़ सकते हैं, तो जब हम ज्यादा सुनेंगे तभी तो पकड़ सकते हैं।
क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी परेशानी वो सुनाना चाहते हैं, लेकिन सुनना सीखिए। एक अच्छा लीडर सुनता है, तो आपको सुनना पड़ेगा। तो सुनिए आप, उसकी ज्यादा सुनिए। वो जितना ज्यादा बोलेगा ना, आपको और आसान होता जाएगा, और आसान होता जाएगा कि वो कि उस व्यक्ति को कैसे हमें प्लान दिखाना है आगे। तीसरी सावधानी जो रखना है वो है अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़े हाईलाइट बताएं। यानी आपको वहां पर पूरा प्लान नहीं बता देना कि मैं सर इस कंपनी में हूँ, इसमें ऐसे लोग जुड़ते हैं, ऐसा काम करना पड़ता है, ऐसी ज्वाइनिंग होती है। आप वहां पर प्लान दिखा देंगे, आपका प्रोस्पेक्ट आपसे दूर भाग जाएगा, आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि लोग ऐसी चीजों से परेशान है। तो आपको ध्यान रखना है। अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा बहुत हाइलाइट्स कर सकते हैं कि मैं हेल्थ में काम कर रहा हूँ, लोगों को एक्स्ट्रा इनकम कमाने में मदद करता हूँ, और जो भी आप बताएं ना उसमें आपकी बॉडी और बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव, आपका ड्रेस जो है वो मैच करते हुए रहना चाहिए। आपने ये बताया कि मैं हेल्थ में काम करता हूँ, तो बोलेगा पहले अपनी हेल्थ को सुधार लो, फिर मेरे को बताना। तो उसका हेल्थ आपके हेल्थ से बढ़िया होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। अगली सावधानी आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे प्रश्न और फुल वाले शब्दों का प्रयोग करें। छोटे छोटे शब्द पूछिए, छोटे छोटे प्रश्न पूछिए कि आप क्या करते हैं, जॉब में कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं, संडे को क्या करते हैं, ट्यूजडे को क्या करते हैं। ये आप खोजिए कि कैसे व्यक्ति फिट हो सकता है मेरे बिजनेस में। उसके क्वेश्चन के दौरान छोटे छोटे और पुल वाले शब्दों का प्रयोग करें। जैसे वो बोला कि कोरोना में हमें बहुत लॉस हुआ, तो आपने एक पुल वाला शब्द छोड़ा कि कैसे, तो बोलेगा मेरा ये बिजनेस था। अच्छा, तो आप इस बिजनेस में क्या करते थे, तो हमने क्या करते थे बोल दिया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये पुल वाले शब्द कहलाते हैं। तो इनका आप इस्तेमाल करिए, और छोटे छोटे और क्वेश्चन उसके बारे में करेंगे और अपने बारे में थोड़ा बहुत रिलेट करके आप बताते जाएंगे, ज्यादा उसको बोलने दीजिए। और ये ध्यान रखिए, निरीक्षण करते रहिए कि कैसे मुझे इसको इस बिजनेस में लेके आना है, किस तरीके का इस्तेमाल करके मैं इसको अपने बिजनेस में लेके आ सकता हूँ, ये आपको बात करना है। और अगली और लास्ट सावधानियां आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ना रहे और फोन नंबर ना मांगे। कई बार ये होता है कि वो व्यक्ति जब जाने लगता है, हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं और नंबर लेते हैं और बोले बिल्कुल सर प्लान के लिए हम मिलेंगे और इसके लिए बैठेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है। मोबाइल नंबर आपको नहीं मांगना है। आप बोलेंगे सर मोबाइल नंबर नहीं मांगना, अनजान व्यक्ति से तो कैसे चलेगा। तो आपको ये बोलना है कि सर हम जरूर मिलेंगे, मेरा ये मोबाइल नंबर है, आप डायल कर लीजिए, यदि आप जब भी फ्री रहें तो मुझसे जरूर बात करिए, हम संपर्क में रहेंगे, और ये मेरा नंबर है 917, जो भी आपका नंबर है वो बोल दीजिए वहां पर, और बोलिए मिस कॉल कर दीजिए, मोबाइल नंबर सही है या नहीं चेक हो जाएगा। आ गया आपके पास नंबर, और जब आ गया नंबर तो आप संपर्क कर लीजिए उससे, संपर्क कर लेंगे तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आ जाएगा। तो ये थी कुछ बातें जो अनजान लोगों से बात करने में आपको मास्टर बना देंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट आएंगे। कोई क्वेश्चन रह गया कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कौन सी ऐसी बातें आपको अच्छी लगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।